मैं अजय भट्ट, सांसद नैनीताल उधम सिंह नगर, दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस के कारण आज पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है। भारत बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है। भारत देश को बचाने के लिए जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया है, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। प्लीज समझने की कोशिश करिए, इस बीमारी का कोई वैक्सीन अभी तक विश्व में नहीं बना है। इसकी एकमात्र दवा है अपने को आइसोलेशन में रखना, अपने को अपने अंदर रखना, अपने को बचाए रखना। कृपा करके बच्चों को कहीं घूमने न दीजिए, अनावश्यक न जाने दीजिए, आप भी बाहर न जाएं। बिल्कुल जब तक अंदर रहना है तब तक अंदर रखें। आपके हक में है, हमारे हित में है, बच्चों के हित में है, हमारे परिवार के हित में है। अगर इतने बड़े देश में चिंगारी ने कहीं बड़ा रूप ले लिया तो उसके परिणाम बहुत गलत होंगे। इसे रोकने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। जिस तरह से एक जवान इस समय हमारी सरहदों पर हिमालय में जागते रहो कह रहा है, पहरा दे रहा है, हमको घरों में एक दूसरे को टेलीफोन करके या अन्य मैसेज देके ये बताना है कि घरों में बने रहो, बाहर मत निकलो। यही हमारी राष्ट्रभक्ति इस समय होगी। कृपया इस पर बहुत ध्यान दें, इसे हल्के में न लें, क्योंकि पूरे विश्व की जो आज हालत है वो आप समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे होंगे। जो बहुत विकसित देश थे, जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज हमसे बहुत आगे थी, उनका बुरा हाल है, वो आज तहस नहस हो गए हैं। इसलिए कृपया बचाएं, सबको बचाएं, और ध्यान दीजिएगा, आपकी सुविधा हर प्रकार से बरकरार है। किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। गांव गांव, घरों घरों में भी सरकारें बंदोबस्त करती हैं और कर रही हैं आवश्यक सामान भेजने की। मोदी जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई इस देश में भूखा न रहे और आवश्यक वस्तुएं दवाई वगैरह से वंचित न रहे। इसलिए पूरा ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे।